मॉल से 3 घंटे लड़ती रही प्रसूता 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची, मौत, डॉक्टर बोले समय पर आया वाहन। खनियाधाना में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार की देर रात एक प्रसूता की मौत होने की खबर मिल रही है। प्रसूता ने 4 बजे स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल प्रबंधन ने उसे रेफर कर दिया, लेकिन 3 घंटे तक 108 एम्बुलेंस का इंतजार किया, लेकिन प्रसूता की मौत होने तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इस मामले में डॉक्टर ने स्वीकार किया है कि लगातार फोन लगाने पर 108 नहीं पहुंची थी। जानकारी के अनुसार खनियाधाना तहसील के पहाड़पुर पंचायत में आने वाले गांव पंचगुल्ला में निवास करने वाली पूजा बंशकार उम्र 30 साल को प्रसव पीड़ा होने पर उसे खनियाधाना के अस्पताल में भर्ती सोमवार की सुबह कराया गया था। पूजा बंशकार का चेकअप करने के बाद नर्स ने कहा था कि शाम तक डिलीवरी होगी। बताया जा रहा है कि पूजा ने शाम 4 बजे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। बताया जा रहा है कि पूजा का प्रसव होने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। खनियाधाना स्वास्थ्य केंद्र ने उसे शाम 6 बजे रेफर कर दिया गया था। पूजा बंशकार की चचिया सास ने बताया कि पूजा के डिलीवरी के बाद उसके हाथ पैर कांपने लगे थे, इस कारण डॉक्टरों ने उसे शिवपुरी रेफर कर दिया था। 6 बजे हमने 108 एम्बुलेंस को कॉल करना शुरू कर दिया। शाम 9 बजे तक एम्बुलेंस नहीं मिली। वहीं प्राइवेट एम्बुलेंस शिवपुरी तक आने के 4,000 रूपए मांग रहे थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण हम एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। रात 9 बजे खनियाधाना के प्राइवेट अस्पताल जीवनदान में 30 रूपए में एम्बुलेंस मंगाई गई, लेकिन ये एम्बुलेंस आई और 1 किलोमीटर चली, उसके बाद पूजा की मौत हो गई। खनियाधाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा अंगूर जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम हनुमान खेड़े के रहने वाले हैं जी, हमारे कक्ष के ससुर हैं। अच्छा, ये पंचगुल्ला रहते हैं। अच्छा अच्छा, अभी अभी आप लोग यहाँ पे खनियाधाना हॉस्पिटल आए थे, क्या मामला था, क्या हुआ है? देरानी ने मेरे को फोन लगाया कि दीदी मेरी तबीयत खराब है और आप आ जाओ, मुझे जाँच कराना है जी। तो मैं जाँच कराने के लिए आई, मैंने जाँच कराई, बोले भावना सिस्टर थी बिन ने बोली कि इसको कस्तूरा बेरा है, अभी दर्द कम आ रहा है, और अगर दर्द देने ज्यादा आ गया तो 2 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी, नहीं शाम तक डिलीवरी जरूर हो जाएगी, रात में भी हो सकती है जी जी। तो हमने बहू से पूछे, हमने सर के बेटा घर चलेंगे कि रुक जाएंगे, बोले रुक जाएंगे जी जी, देख लेंगे अपन शाम तक नो, और अगर नहीं होगा तो घर चले जाएंगे। ठीक है, अब रुक गए तो मैंने थोड़ा थोड़ा दर्द से बढ़ो, दर्द बढ़ो तो मैंने दवाई भी लगाई, और दर्द बढ़ो तो मैंने डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने में 1/2 घंटा नहीं लगे, 4 बजे डिलीवरी हो गई जी। नहीं, अब डिलीवरी के पहले या के लिए बस 2 जम्हाइयाँ और कुछ भी नहीं, वो डिलीवरी हो के वो बस जम्हाइयाँ वो शुरू भाई हो हाथ गोड़े या कड़ यहाँ पे। अगर जैसे उनकी स्थिति गंभीर हो रही थी तो एम्बुलेंस नहीं बुलाई गई क्या हॉस्पिटल में? अब सर पहले नहीं भाई, डिलीवरी हो के भाई तो हमने उनकी जब भी स्थिति खराब हुई थी तो एम्बुलेंस नहीं बुलाई गई के बाहर भेजा लगाओ तो नहीं आई एम्बुलेंस, नहीं आई है ही नहीं कला है ही नहीं। अच्छा, एम्बुलेंस है ही नहीं यहाँ पे? नहीं, कला है नहीं। कितनी देर तक नहीं आई? बहुत देर तक, कम से कम 3 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गए, 3 घंटा तक एम्बुलेंस नहीं आई। ये आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही है? अब सर कहा पता है, अब लापरवाही किसकी है, अब हम तो दौड़त फिरे भैया हो, गाड़ी गाड़ी को फोन लगाई तो गाड़ी नहीं मिली, और इतने घर के उनको फोन लगाए हम तो। यहाँ पे BMO साहब भी हैं, नर्सें वगैरह भी हैं, किसी ने आपकी मदद नहीं की एम्बुलेंस बुलाने में? खरीदी बिन्ने फोन भी लगाओ, रेफर को पर्चा बना दो तो सारा वो, उसके बाद ही एम्बुलेंस नहीं आ पाई, नहीं आ पाई। फिर प्राइवेट गाड़ी को फोन लगाओ, जब प्राइवेट गाड़ी मंगाई हमने 4,000 की, तो हमने बाहर गाड़ पाई जानो, हम चिल्ले आ रहा दौड़ रही थी अकेले कोई। दादा क्या नाम है आपका? भैयाला। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पंचगुल्ला। पंचगुल्ला के रहने वाले हैं, क्या मामला हुआ है? आप अभी सरकारी अस्पताल खनियाधाना में आए हुए हैं, क्या मामला है? ये मामला हुआ कि साहब मैं मुझसे बच्चा बोला कले वो पिताजी कले थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है तो मेरे को ले जाओ अस्पताल है, तो हम बच्चा लेके आ गए। अब नर्स से बोली कले अभी तो बच्चा का टाइम है होने का, होगा जरूर, बोले मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। आप बहू को लेके आए थे? बहू अपनी को लेके आए जी। तो साहब इंजेक्शन उनने लगा दो जी, अब दर्द बढ़ो, दर्द बढ़ो तो डिलीवरी वो बच्चा हो पाओ, पर हो कमेंट में भाई इतक में बहू को घबराटा होती जो भारी फ्री सबरे मानो भी मेड बन से कर जो आए डॉक्टर से कई सबसे कई डॉक्टर आए बोले भाई इसको रेफर कर दो। अरे साहब जी देखो तो आप रेफर कैसे कर दो, आप माने आप देख दो डॉक्टर है साहब। हाँ तो किसी डॉक्टर ने यहाँ पे अच्छे से देखने की कोशिश नहीं की? देखने की कोशिश नहीं की, तो बस अब साहब हम जो ना वो ठंडी पड़ गई,
कौन कौन से डॉक्टर थे आपको मालूम है थोड़ा सा? अरे जी का नाम है जी आज के जी यहाँ धाकर जी थे, और उसके अलावा? और जी मैडम थी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ दादा? आगे बस दे दिया कि भाई तो मैंने खत्म हो गए, तो इसको ले जाओ ले जाओ। जबरदस्ती उसको हमने कह दिया साहब इसको कुछ कोई नियम से लगा दो, आप माने नहीं नहीं बोले, आप तो लाश ले जाइए लाश ले जाइए। तो मुश्किल में धक्का दें हमें लाश ले जाओ साहब, हमारी ये बाहर है लाश निकाल दी उन्होंने जी अस्पताल में, अभी बाहर रख। अस्पताल से बाहर निकाल दी? बाहर निकाल दी। गाड़ी नहीं बुलवाई दादा? एम्बुलेंस बुलवाई थी किसी ने? नहीं बोलिया एम्बुलेंस कर वो किराए से गाड़ी कर लो तो साहब सो ले जाओ साहब, हम लोग पैसा नहीं थे, अब किराए से गाड़ी खा तक करते बोले भोपाल के कले लेबू लेंस कर लो साहब, हमने माने खूब कई डॉक्टर से लगा दो फोन सुन निकले नहीं, दोनों को खत्म हो गए। दादा आपको ऐसा क्या लगता है किसकी गलती है यहाँ पे? ये गलती मुझे सोफर से लग रही है कि ये डॉक्टर की है, क्योंकि यहाँ से जब बच्चा होने से सीरियस हो गई तो बच्चा तो अच्छी बढ़िया हो गया, तो होने के बाद सीरियस हो भाई तो डॉक्टर ने कोई सही ढंग से इलाज नहीं किया। सर खरियाधाना चिकित्सालय में अभी एक महिला की प्रेग्नेंट महिला की मौत हुई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिला के बच्चे पैदा हुआ आठवां या नौवां, कितना बच्चा था? काफी सातवां बच्चा था वो, और जैसे बच्चा पैदा हो उसका हाथ का ढीला होने लगे तो हम तो शिशु में फोन किए, तुरंत आए उसको देखे और जो उपचार था पूरा उपचार उसका किया, उसी को रिफर किए और 108 लगवाए, सरकारी एम्बुलेंस बुलवाए लेकिन गवर्नमेंट गाड़ी साधन नहीं मिल पाया, तो फिर इनसे बोले सरकारी और गाड़ी नहीं आ रही, आप लोगों ने खुद के साधन बुला लिए, फिर साधन लाने में देर की, कम उसकी बात दे गए। सर ये गवर्नमेंट चिकित्सालय खरियाधाना एक बहुत बड़ी क्षेत्र को डील करता है, ऐसे में यहाँ पे एम्बुलेंस का ना मिल पाना एक कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि नहीं है क्या? नहीं गाड़ी के लिए तो जैसे होता हम लोग 108 मिलाते हैं, बता देंगे भोपाल से बुक होता है, एक दो प्राइवेट गाड़ी भी रहती है जैसे कोई समाज सेवा के लिए खड़ी किया रहता है कभी कभी उसको वो मिल जाते हैं, लेकिन वो आज तो नहीं मिल पा रहा। सर जैसे ये परिवार महिला का जो परिवार था वो बहुत गरीब परिवार था, वो प्राइवेट गाड़ी को नहीं डील कर पा रहा था, तो ऐसे में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती थी कि एम्बुलेंस को कहीं ना कहीं से उपलब्ध कराए, लेकिन वो नहीं हो पाई है। और हम लोग बार बार मिला रहे थे 108 नंबर कई बार मिला है, जैसे खाली होती तो गाड़ी आ जाती है, अभी एक घंटे तक यहाँ नहीं मिल पाई, ये लोग भी गाड़ी लाने में देर की है, गाड़ी लेके आए फिर तुरंत ले गए लेकिन हाँ रास्ते में बताया कि खत्म हो गए फिर वापस लेके आ गए। सर महिला की मौत कितने टाइम पे हुई है? यहाँ तो हम 6:15 बजे रेफर कर दिए थे, 7:30 यहाँ से 7:30 बजे तो 1:30 जी सर 6:30 यहाँ रेफर कर दी तो फिर गाड़ी मिलाई एम्बुलेंस तो नहीं मिली, फिर सिस्टर बोले मिलाती रहिएगा, फिर हमारी वहाँ एक एमएससी केस आ गया, दूसरा पेशेंट आ गया, एमएससी आ गई थी, मुझको देखने चलेगा। महिला का केस सर आपने ही डील किया है पूरा? नहीं हम तो मतलब सिस्टर लोग डिलीवरी कराती हैं और मैडम एक हैं आज कहता है छुट्टी में थी, तो मैं दीदी बोलेगी सर मैडम है नहीं छुट्टी पर आप आके देख लीजिए, तो हम आए तो उनका तो मतलब हाथ पैर वीक था तो जो उपचार था पूरा उपचार उनको दिए, फिर सुपरी के लिए रिफर कर दिए। महिला का केस आप ही ने डील किया ना?